असलकम वरम् वक्त आज इनशा हम मफाईल खमसा सीखेंगे ये पांच तरह के मफूल होते हैं अभी तक हमने जो मफूल सीखा है वो एक ही तरह का मफूल सीखा है लेकिन आज इनशा उसकी बाकी इकसाम भी सीखेंगे डिटेल के साथ इनशाला और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और चले शुरू करते हैं इनशाला मफाइल खमसा सबसे पहले जो आ रहा है मफूल वो है मफूल बिही ये वो मफूल है जो कि हमने जब जुमला फेलिया शुरू किया था और उसमें सबसे पहले जो हमने मफूल सीखा था ये वही मफूल है बस उसको हम सिर्फ मफूल कहते थे इसका जो पूरा नाम है वो है मफूल बिही हर एक हर इंसान का भी देखा जाए तो जो है फर्स्ट नेम एंड सर नेम होते हैं जैसे मेरा नाम शमसा इरम है लेकिन अगर मुझे सिर्फ शमसा कह दिया जाए इट्स इनफ और अगर जहाँ पर कोई दो शमसा आ जाए तो फिर वहां पे ये मेंशन करने के लिए कि कौन सी वाली शमसा को बुलाया जा रहा है वहां पे उसका पूरा नाम लेना जरूरी है ताकि पता चले कि किसका नाम लिया गया है इसी तरह चूंकि अब ये पांच तरह के मफूल हैं, ठीक है मफाइल हमसा पांच मफूल है तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि जब आपको दो दो मफूल आ जाए तो फिर उनमें फर्क करने के लिए उनका पूरा नाम मेंशन करना जरूरी है पहली बात तो और दूसरी ये कि ये जो मफूल मफौल भी ही है ये इसकी तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस है क्योंकि शुरू से हम जो मफौल सीख रहे हैं वो यही है अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं मफोल मुतलक ये इंतहाई आसान मफूल है जितने भी हम मफाइल खमसा सीखेंगे उसमें से सबसे आसान मफूल मफोल मुतलक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है मफूल फी ही इस मफल से आप जो है ना फिफ्टी बल्कि मैं कहूँ फेमिलियर है तो ये बिल्कुल ठीक होगा जब ही ना आप अपना माइक म्यूट कर ले तो क्योंकि आप ज्यादातर जो है फेमिलियर है ठीक जब हम इसको भी सीखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आगे नेक्स्ट मफूल है मफूल ली अजिली इसको मफूल लहू भी कहते हैं इसके दो नाम हैं आप इनमें से जोन आपको आसान लगे मफूल लहू कहे या मफूल ली अजली कहे दोनों ही मफूल जो है आप इसके नाम है कोई भी ले सकती हैं लास्ट वन जो है ये है मफूल माहू ये वो मफूल है जो सबसे कम इस्तेमाल होने वाला मफूल है कुरान पाक में इसका इस्तेमाल इंतहाई कम है इतना कम के मुहावरतन जब कहते हैं ना कि ये ना होने के बराबर है तो ये बस आप यही समझ लें कि इतना कम है कि समझे कि जैसे है ही नहीं इतना कम इसका इस्तेमाल है तो इसलिए इसकी आपने फिक्र नहीं करनी इवन मफोल मा, अजली जो है ये भी बहुत कम इस्तेमाल है इस इन दोनों मफूल का इस्तेमाल बहुत कम है तो आज ज्यादा जो फोकस होगा हमारा मफूल मतलब और मफूल फी ही के ऊपर होगा बाकी इनको भी यकीनन मैं एक्सप्लेन करूंगी पर चूंकि इनका इस्तेमाल कुरान पाक में कम है इसलिए आपने इनकी टेंशन नहीं लेनी अच्छा भी ही। ये क्या होता है जैसे कि आप सबको पता है कि वो इसम जिस पर फेल जो है बराह रास्त अंदाज़ हो यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा अमल ऐसा फेल ऐसा काम जिसका असर डायरेक्ट जिसके ऊपर डायरेक्ट जिस पे असर अंदाज़ हो वो जो मफूल होगा वो मफूल भी ही कहेगा अगर आप उसको सिर्फ मफूल भी कह देना इस क्योंकि जब आप सिर्फ मफूल कहेंगे इसका मतलब यही है कि मफूल भी ही की बात हो रही है लेकिन जब बाकी कोई बाकी के कोई चार मफूल में से जब कोई मफूल आएगा तो आपने आगे मेंशन जरूर करना है कि इन चारों में से ये कौन सा वाला मफूल जो है वो आया है आयत के अंदर ठीक इसका अगर आप पूरा नाम लिख दें तो भी ठीक है सिर्फ मफूल लिख दें तो भी ठीक है मतलब यही होगा कि मफूल बिही की बात हो रही है क्योंकि कुरान पाक में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मफूल जो है वो मफूल बिही है कसरत के साथ इस्तेमाल है एटी परसेंट तो मफूल जो इस्तेमाल हुआ है वो मफूल बिही ही, ही इस्तेमाल हुआ है उसके बाद मुतलकर्फी ही है और ये दोनों बहुत ही कम है उनमें से भी सबसे कम मआ है <coughs> मफूल मतलब ये क्या है इसमें आपको जो है फेल की ताकीद के लिए कोई लफ्ज़ मिलेगा कि फेल के लिए एक उसमें जोर पैदा करने के लिए उसकी फेल की नोयत बयान करने के लिए या फेल की तादाद बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा और जो मफूल फी ही, ही है ये वो है कि जो फेल वाक्य होने का वक्त या जगह का तयन करे ये ऐसा इसम होगा जो फेल के वाक होने का वक्त या जगह का तयन करे मफूल अजली ये क्या है ये फेल के वाक्य होने की वजह बयान करेगा ये ऐसा इस्म होगा जो कि फेल के वाक्य होने की वजह को बयान करेगा रीजन बताएगा कि ये फेल क्यों हुआ ये काम क्यों हुआ और मफूल माहू। इसमें क्या होगा कि इस इसम से पहले आपको एक वाव नजर आएगा और वो वाव जो है वो साथ का मायने देगा मफहम देगा वरना अमूमन आपने अभी तक पढ़ा है ना जो वाव आता है वो वाओ अतफ होता है या वाओ जर होता है जर तो वाव हर्फ जर जो होता है वो कसम के तौर पर आता है उसका कसम का मफहूम देता है और जो वाव अतफ होता है वो और का मायने देता है और जबकि ये जो वाऊ मफूल माफ, माहू के साथ आता है वो साथ का मायने देगा तो ये टोटल पांच मफूल हैं और इन माह ये जो होते हैं ये हमेशा मनसूब होते हैं इनका जो इराब होता है वो नस्ब होता है इराबी हालत इनकी नसब होती है ये हमेशा मनसूब होंगे ये आपने पक्का इसको जहन में रखना है कि ये पांचों के पांचों मफूल जुमला फेलिया में आएंगे और मनसूब बनकर आएंगे हालत नसब में आएंगे ठीक तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें पांचों मफूल डेफिनेशन के साथ आपके सामने है अब हम स्टार्ट करते हैं मफूल बिही के साथ मफूल बिही जो है उसका सिर्फ मैं एक ही स्क्रीन में क्योंकि हम ये शुरू से मफूल को ही जो मफूल सीख रहे हैं वो मफूल बिही ही है इसलिए इस पे इतनी तो नहीं दूंगी लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि मफूल बिही हमारे इस पूरे लेक्चर में सबसे ज्यादा ही इस्तेमाल यही यही आया है हर आयत के अंदर मफूल बिही आपको ऑलमोस्ट नजर आएगा तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये बरह रास्त अमल करता है असरअंदाज होता है तो इसका क्या मतलब है जा फेल है अल्लाह लफ्जला इस वक्त हालत रफा में है तो ये फाइल बन गया अल का तो ये क्या है अभी पहले चले इसका तर्जमा कर लेते हैं इतने हिस्से का आपको समझाने के लिए मैंने इसका तर्जमा पहले लिखा था कि अल्लाह ने बनाया जा अल्लाह ने बनाया अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या बनाया यानी जो बनाने का अमल है इसका असर किसके ऊपर हुआ बनाना अल्लाह ने बनाया क्या बनाया क्या बनाया किसको बनाया तो ये जो जब आपके इन दो क्वेश्चन का आंसर जो लफ्ज देगा ना वो मफूल भी ही होगा आयत के अंदर जो आपको इन दो सवालों क्या और किस को इसका जवाब जो आपको इसम देगा वो मफूल भी ही होगा और वो है यहाँ पे काबा को अल्लाह ने बनाया काबा को ठीक तो यहाँ पे ये जो हालत नसब में है Clear, आपको क्लियर आपको फतेह नजर आ रही है जबर नजर आ रही है वो इस वजह से क्योंकि ये मफूल बिही है अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मफहूल भी लिख दूँ इट्स इनफ क्योंकि हमें आम, जब सिर्फ मफूल भी लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि बाद मफूल बिही की हो रही है और आज मैं मफूल बिही जरूर इसलिए लिखूंगी ताकि आपको सब मफूल के नाम भी सही से सह याद हो जाए और इनमें फ़र्क करना भी अगली आय देखते हैं खलक़ नाकुम अब यहाँ पे खलक का जो है फेल है ना की जमीर फ़ाइल है और तर्जमा बना हमने पैदा किया तो अब क्वेश्चन होता है कि क्या पैदा किया किसको पैदा किया तो ये वही क्वेश्चन है क्या किसको क्या किसको ये आप जहन में रख ले कि जब ये क्वेश्चन रेज हो तो फिर इसके जवाब में जो आपका आंसर होगा वो मफूल भी ही होगा हमने पैदा किया तुम सबको तो यहाँ पे जो कुम की जमीर है ये मफूल भी ही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे नोट करनी है वो ये कि जो भी जमीर फेल के साथ जुड़कर आएगी ठीक है फेल से जुड़ी हुई जमीर कोई भी हो मतलब कोई भी सीगा हो ठीक है तो वो क्या होगी हमेशा वो मफूल भी ही होगा वो कभी भी ये जो जमा जब फेल के साथ जुड़कर आते हैं ये कभी भी कोई और मफूल नहीं होंगे ये हमेशा मफूल बिही होंगे तो इसलिए जब भी जमीन जुड़कर आएगी फिर तो आपने टेंशन लेनी ही नहीं है आपने डायरेक्ट लिख दे कह देना है कि ये मफूल बिही है ठीक है तो ये मफूल बिही को तो बस इसी स्लाइड में करूंगी क्योंकि इसको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी हुई है स्टिल आपको जो है ना बहुत इस लेक्चर में भी ये साथ साथ हमारे चलेगा सेकेंड नंबर पे कौन सा मफूल है मफूल मुतलक चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं ये आप लोगों के लिए एक न्यू है नई चीज है तो और ये मैं आपको यही अभी से बताते चलूँ कि ये इंतहाई आसान है तमाम मफाइल खमसा में सबसे आसान मफूल सीखने के लिए समझाने के लिए सबसे आसान यही है इसकी डेफिनेशन क्या है मफूल मुतलक ऐसा मसदर होता है इट मीनस कि जो मफूल मुतल होगा वो कोई ना कोई मसदर होगा हमने अब काफी चीजें सीखी है ना जैसे इसमुल इसमुल पाइल इस की चीजें तो ये एक मसदर भी है जिस तरह के हमने मुजरत अबाब के तो मसादिर इतने नहीं सीखे लेकिन मजिदी अबाब के तमाम मसादिर जो है वो उन्ही बाप के नामों के ऊपर है तो वो मसदर होता है यानी काम का नाम तो ये जो मफूल मतलब होगा ये मसदर होगा और वो जो है वो उसी से बना होगा जो कि फेल में इस्तेमाल हुआ होगा आपको मैं एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ तब आपको सही इस तरह से इनशाला समझ में आएगा आपके सामने अब ये जो आयत है यहाँ पे आप कल भू को देखें फेल है और उसके रूट लेटर्स मैं आज ज्यादा डिटेल वगैरह पे नहीं जाऊँगी सिर्फ या तो मैं फेल लिखूंगी कोई फाइल कोई बाब ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी क्योंकि हम फेल को नहीं सीख रहे इस वक्त हम मफाइल खमसा को सीख रहे हैं तो इसलिए पूरी तवज्जो उस पर होगी तो यहाँ पे मैंने रूट लेटर्स भी मेंशन किए हैं इसलिए क्योंकि इसकी जरूरत है कि यहाँ पे ये पता चले कि इस फेल के रूट लेटर्स क्या हैं इसके मादे के हरूफ क्या हैं बी आ या तीना इसको ये जो है ये जार मजरूर बन के मुतालिक फेल बन जाएगा आगे आ जाते हैं कि ये आपको मंसूब नजर आ रहा है अब आपने सोचना होगा कि ये कौन सा मफहल है तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसके रूट लेटर्स निकालें अगर तो देखें इसके रूट लेटर्स और फेल के रूट लेटर्स जो मादे के हर्फ हैं वो बिल्कुल सेम है तो इस वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मफहल मुतलक है क्यों क्योंकि काफ काफाल बा और कसू काफाल बा सेम रूट लेटर से आपको जब इस मिलेगा फेल के बाद तो बस आपने परेशान होना ही नहीं है आपने फौरन कह देना है कि ये मफूल मुतलक है ये इसलिए आसान है कि इसमें आपको सेम रूट लेटर से वो इसम नजर आएगा जो फेल के रूट लेटर होंगे वो ही उस मफूल के भी होंगे और आपने फौरन पहचान कर, कर, कर लेना है कि यह मफूल मुतलक है अब आपने किसी और मफूल के बारे में नहीं सोचना इसलिए ये इतना आसान है अब तर्जुमा जब करेंगे आयातिना उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को अब यहां तक हमारी बात बिल्कुल कंप्लीट है हमें मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन इस बात के अंदर एक जोर पैदा करने के लिए एक ताक़ीद पैदा करने के लिए मजीद एक ऑथेंटिसिटी कायम करने के लिए कि यकीनन ऐसा ही हुआ है यकीन उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है तो उसके लिए ये मफूल मुतल आता है उसके अंदर एक ताकीद पैदा करने के लिए तो फिर उसमें एक आप इसको ज्यादा ताकीद करके कहेंगे कि उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को झूठ समझकर ये भी लिख सकती हैं या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि उन्होंने हमारी आयात को बिल्कुल झुटला दिया ये जो बिल्कुल का मैंने जोर दिया है ना वो इस वजह से क्योंकि इसमें मफूल मुतलक इस्तेमाल हुआ है सेम रूट लेटर से ताकि ये बात पता चले कि ये ये काम यकीनन हुआ है यकीनी ये काम हुआ है उसके अंदर एक ताकीद पैदा हुई है तो ये मफूल मतलब की इसके अंदर जो है ना ये तीन जो मैंने आपको बताई है कि ताकीद, नोयत और तादाद तो उसमें से ताकीद का अमल जो है ना अभी हमने सीखा है आज की आयत में नेक्स्ट <clears throat> में अब पे देखें आप फेल और उसके रूट लेटर्स हु की जमीर क्या बनेगी आपको पता है जब जमीर फेल के साथ जुड़कर आएगी तो वो हमेशा मफूल भी ही होगा तो बस इसके अलावा तो आपने कुछ और सोचना नहीं है नेक्स्ट पे आ जाए तफसिल नसब में है अब हमने सोचना होगा कि ये क्या है सेम रूट लेटर्स हैं तो बस टेंशन खत्म मफूल मुतलक क्योंकि इसके भी वही रूट लेटर है जो कि फेल के हैं तर्जमा करते हैं हमने बयान किया क्या बयान किया उसे अमेरिका ने क्या बयान किया देखिए क्या के जवाब में आया उसे तो इट ये मफूल भी ही है क्योंकि डायरेक्ट अमल उस पर हो रहा है क्योंकि जो बयान किया जाएगा जो हमने बयान किया अब जो बयान किया जाएगा ना वो मफूल भी ही होगा यानी फेल का असर डायरेक्ट जिस पे पड़ेगा फिर आगे मजीद अब यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट है लेकिन अगर मैं कहूँ इस बात के अंदर एक जोर पैदा करना चाहूँ तो फिर हम कहेंगे तफसील से अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको इस लेक्चर में कहूँ कि मैं बयान करूंगी आज मफूल खमसा एक आम बात है लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मैं बयान करूंगी मफूल खमसा तफसील के साथ बात ये भी वही है लेकिन इसके अंदर एक मैंने जोर पैदा कर दिया है कि मैं सिर्फ बयान नहीं करूंगी मैं तफसील से बयान करूंगी मैं एक एक पॉइंट बयान करूंगी हर बात को एक्सप्लेन करूंगी इसका मतलब ये है कि तफसीलन कि उसी चीज को बयान करूंगी लेकिन तफसील के साथ ठीक है तो ये होता है मफूल मुतल जिस जिसमें आप कुछ किसी चीज का ताक़ीद पैदा कर दें उसी फेल के बयान उसी फेल के उसके अंदर एक जोर पैदा कर दें अच्छा अब यहां पर आप देखें शुरू में जो जो फा है इसको आप इग्नोर कर दें ठीक है और यो अब ये फेल मुदारे हो गया आई इसके रूट लेटर्स हम की जमीर तो मफूल भी ही हो गया आगे आ जाए अजाबन अलीमन दोनों इस वक्त हालत नस्ब में है आपको देखने से लग पता चल चुका होगा कि ये मुरकब तोसीफी है अब इस मुरक्कब तोसीफी का जो पहला जुज है उसको आप देखिए उसके जो रूट लेटर्स है वो वही है जो कि फेल के अंदर है आइन जाल बा आइन जाल बा तो देखिए इस मौसूफ के अंदर भी वही रूट लेटर्स है और जो सिफा है वो है अलीमन <clears throat> मौसूफ अपनी सिफा से मिलकर ये पूरा मरकब तोसीफी होकर ये मफूल मुतल बन जाएगा यो योजु फेल के लिए अब ये पूरा जुमला फेलिया हो गया अब जब हम तर्जुमा करेंगे वो अजाब देगा उन्हें किसे किसेब देगा अजाब देगा उन्हें आजाब देगा वो अजाब देगा उन्हें या उनको अब उस अजाब की नोयत बयान हो रही है ताकि नहीं अब इस अजाब की नोयत बयान हो रही है कि वो अजाब कैसा होगा किस किस्म का होगा क्या कंडीशन होगी क्या सूरत हाल होगी तो जिस चीज में आपको नोयत बयान की जाए वो भी मफूल मुतल होगा और उसमें भी सेम ही रूट लेटर्स होंगे तो यहाँ पे क्या नोयत है उस अजाब की कि वो दर्द नाक अजाब होगा यहाँ पे ये यह नहीं है कि अगर इसी को होता ना यहाँ पे अजाबन और बात खत्म हो जाती है अगर अलीमन ना लिखा होता जस्ट सपोज ठीक है तो फिर हम कहते हैं कि वो अजाब देगा उनको अजाब बस इतना कि उसके उस, अंदर एक ताकीद पैदा करने के लिए लेकिन यहाँ पे उस अजाब की नोयत बयान की जा रही है कि वो एक दर्दनाक अजाब होगा अब आप सोच रही होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब ये नोइ के हिसाब से हम तर्जा करें कब ताक़ीद के हिसाब से करें और कब तादाद के हिसाब से करें तो इनशाला अभी ये मेरा लेक्चर अभी चल रहा है अभी जब ये कंप्लीट होगा तो आप इस काबिल होंगी कि आप खुद कहीं बताएंगी कि अब हमने इसका नोइयत के हिसाब से तर्जमा करना है और अब हमने ताक़ के हिसाब से करना है तो मैं इसको आगे लेके चलती हूँ इनशाला थ ये क्या है माजी मजहूल है अब इसके रूट लेटर्स मीम तो मातोरा यहाँ पे ये भी मुदाफ बन रहा है इसके भी वही रूट लेटर्स है पिछली स्लाइड में क्या था वो मौसू था मरकब तो में पहला जुज मौसूफ था जिसके वही रूट लेटर्स थे जो कि फेल के थे यहाँ पर अब मैंने मुरकब चेंज किया है अब मुरकब इजाफी है और मरकब इजाफी का पहला जुज मुदाफ के वही रूट लेटर्स है जो कि फेल में है मीम तोरा असू हो के ये पूरा मुरक्कब इजाफी बन के मफूल मुतल बन गया फेल के लिए पूरा जुमला फेल या कंप्लीट अब जब हम तर्जमा करेंगे मजहुल के लिहाज से के बरसाई गई मतर कहते हैं ना बारिश को बारिश बरसती है तो बारि बरसाई गई अब उसकी नोयत बयान हो रही है कि जो बरसाई गई वो किस किस्म की थी उसका क्या हाल था क्या कंडीशन थी किस तरह बयान हुई है किस तरह बरसाई गई किस किस्म की बरसाई गई तो वो है बदतरीन बारिश या फिर आप कह सकती हैं बुरी बारिश क्योंकि आप जब आप इसका सूरत पे जाए और रिस को देखें तो वहां पे जिक्र जो वाक्य बयान हो रहा है कि उस वहां उन पे पत्थरों की बारिश बरसाई गई तो बारिश के बरसाने की नौत बयान हो रही है यहाँ पर ताकि नहीं हो रही नोयत उसका हाल बयान किया जा रहा है कि वो बारिश किस किस्म की थी वो पत्थरों की बारिश थी या ये कहें कि वो बदतरीन बारिश थी या वो सबसे बुरी बारिश थी ठीक तो ये नोयत बयान हो रही है बयान हो रहा है यहाँ पर <coughs> अगली आयत में देखें फेल है लेटर्स आगे हु की ज़मीर हक का ना तो इसके ऊपर अल है ना ही तनवीन तो ये मुदाफ हो गया आगे तिलावती ही ये एक और मुरक्कब इजाफी है और इस इस मुरक्कब इजाफी का जो मुदाफ है वो त लामवाओ है और ही, ही की जमीर यहाँ पे मुदाफिल ली अब ये वाला पूरा मरकब मुदा मरकब इजाफी जो है ये मुदाफिलई बन जाएगा हक्का मुदाफ के लिए अब हक्का मुदाफ अपने इस मुदाफ इलाई से मिलकर ये भी मफबूल मुतल बनेगा क्यों क्योंकि इस वक्त भी वो रूट लेटर सेम आ रहे हैं जो कि फेल के अंदर है और वो आ रहे हैं हक्का के मुदाफ इलाई के अंदर पिछली स्लाइड में क्या था कि मुदाफ के अंदर वो सेम रूट लेटर्स से थे और यहाँ पे क्या है कि वो सेम रूट लेटर्स जो है वो मुदाफ इले के अंदर आ रहे हैं तो चाहे मुदाफ पहले जो उसके अंदर सेम रूट, ले, रूट लेटर्स आ जाए या मुदाफ इलाई के अंदर आ जाए आपने उसको मफूल मुतल ही बनाना है ठीक तो सेम रूट लेटर्स है इस वजह से इसने इसको भी हमने मफूल मुतलक बनाया अब ये पूरा जुमला जो है कम्प्लीट हो गया और आप यहाँ पे नोटिस करें देखे मफूल भी ही हमारा साथ नहीं छोड़ रहा देखे मफूल भी ही हमारे साथ साथ चल रहा है ये बहुत इसीलिए मैंने कहा ना ये कसरत से इस्तेमाल में आने वाला मफूल है और इसके आपकी प्रैक्टिस भी माशाल्लाह बहुत हो चुकी भी है अच्छा उन्होंने तलावत की अब अब क्वेश्चन होता है कि किसकी तलावत की उन्होंने तलावत की उसकी ठीक है जिसकी तलावत की गई वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मफूल भी ही है अब आगे मजीद इसकी नोयत बयान हो रही है कि वो तलावत कैसी थी क्या कै, किस कंडीशन में थी किस किस्म की थी तो नोयत ये है कि तला, तिलावती ही उसकी तलावत हक मुदाफ बन कर आ रहा है के हक के मुताबिक अब अगर आप इसको ज्वाइन करके पढ़ें तो आप इसको इस तरह भी कह सकती हैं कि उन्होंने तलावत की उसकी इस तरह जैसे कि उसकी तलावत करने का हक था हक था, ठीक है तो जैसे कि उसकी तलावत करने का हक था तो मैंने तो क्योंकि लफ्जी तर्जमा किया है वर्ड वर्ड टू के 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 लिहाज से ही उसकी तलावत के हक मुताबिक, के मुताबिक के मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा क्योंकि हम बात आके वाजे हो सके समझ आ सके तो यहाँ पे उस तलावत की नोयत बयान हो रही है कि उसकी तलावत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि उसका हक था उन्होंने इस तरह की तलावत की अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे ये यह हमारा न्योयत जो हमारी चल रही है अभी उसमें उसकी वो सारा एक और डिटेल मतलब इस स्लाइड के अंदर बताना चाहती हूँ कि जब मफूल मुतलक मुरक्कब बन कर आए ठीक है मैंने मुरक्कब तौसीफी की भी एग्जांपल दी मुरक्कब इजाफी में उसको मुदाफ की जगह पे भी रखा और उसको मुदाफ इलै की जगह पर भी सेम रोटेटर्स को लेकर आई तो इस जब भी मफूल बन आएगा तो अब आपने यहाँ से पहचान करना है कि अब आपने हाँ तर्जमा नोयत के हिसाब से करना है उस फेल की नोयियत बयान करनी है कि वो फेल कैसा था उसकी क्या किस्म थी तो ठीक है ये मरकब इजाफी भी बनकर आ सकता है और ये मरकब तो भी बनकर आ सकता है मरकब इजाफी की ये एक और एग्जाम्पल है जो मैंने पहले की, ये वो नहीं है ये अलग है देखिये अजीजिन आख़, तो यहाँ पे अखजा ये बिल्कुल वही रूट लेटर्स हैं जो अखज ना जो फेल के अंदर आए हैं सेम रूट लेटर्स ठीक है और यहाँ पे जो मफूल मुतलक है ये आ, मुदाफ बनकर आ रहा है अब अगली एग्जाम्पल में देखें तब सुत ये जो फेल है इसका जो मफूल मुतलक है वो मुदाफ इलेई बनकर आ रहा है बा सीन तो रूट लेटर्स है बा सीन तो तो ये सेम रूट लेटर जो है इस वक्त मुदाफ इलाई बन रहा है मुदाफ है कुल्ला कुल्ला मुदाफ के लिए मुदाफ इलाई बनकर आया है <coughs> तो ये सेम रूट लेटर है अब मरकब तो के एग्जाम्पल देख लेते हैं वजाहिद हम भी ही जिहादन कबीरा तो यहाँ पे देखे ये बाब मुफाला से है बाब मुफाला का आपको मैंने बताया तो था कि दो मसादिर हैं मुफाला भी और फिल फि फिन् के वजन के ऊपर है जिहादन जिहादन यहाँ पे ये मफूल बन रहा है इसलिए हालत नसर में है तो ये फिलन के वजन पे है और जिहाद ये भी मुफाला से फेल अमर है तुम सब जिहाद करो उनसे बड़ा जहाद उस जहाद की नोयत बयान हो रही है कि वो जहाद कैसा हो किस किस्म का हो तो नौत बयान हो रही है कि वो बड़ा जहाद हो बड़ा जिहाद हो ठीक है तो जब आपको मुरकब की सूरत में मफूल मुतलक मिले तो आप समझ जाए कि आपने इसकी नौ बयान कर रहे हैं आपने जब तर्जमा करना है तो नोयीत को जहन में रखना है अच्छा हमारा ताकीद भी हो गया नोयत भी हो गई अब रह गया तादाद इसका इस्तेमाल बहुत कम है कुरान पाक में इंतहाई कम है इसलिए इसकी भी आपने फिक्र नहीं करनी ज्यादातर आपको जो मिलेगा ना ताक़द के हिसाब से मिलेगा ज्यादातर और नोयत में आपको मिलेगा ये मरकब तो के साथ मरकब तो के साथ आपको ज्यादा मिलेगा अच्छा अब आगे जो इसकी डेफिनेशन है कि जब मफूल मुतलक पर ता मरबूता लगी हो तो वो फेल के वाक होने की तादाद बताता है ठीक है जब मफूल मुतलक पर ता मरबूता आपको नजर आ जाए अब देखें यहाँ पे फना जोरा ये फेल है नून जोरा इसके रू, रूट लेटर्स हैं आगे जो मफूल आ रहा है हालत नस्ब में है जो ये भी क्लियर आपको वही सेम रूट लेटर्स हैं तो ये भी मफूल मतलब हुआ क्योंकि इसके रूट लेटर्स वही हैं जो कि फेल के अंदर इस्तेमाल हुए हैं लेकिन इस मफूल मतलब में क्या है कि आपको ता मरबूता भी नजर आ रही है तो यहां से फिर आपने एक पिक करना है फौरन कि अच्छा अब हम इसका तर्जुमा जो है ताकीद के लिहाज से नहीं करना नोत नहीं बयान करनी बल्कि इसको एक तादाद के हिसाब से करना है <स्थ> तो आप जब तर्जमा करेंगी तो आप कहेंगी फिर उसने देखा एक नज़र ठीक है अब ये अभी तो ये ता मरबूत था ना तो आपने एक नजर कहा अगर दो की बात हो तो फिर ये वही बात है कि क्योंकि आपने इसको हालत नसब में रखना है तो ये बन जाएगा नजरो तयनी फिर नजर तय नहीं बन जाएगा ठीक है अपने इस तरह फिर वो उसकी अदद के हिसाब से उसको अपने मुसन्ना बनाना है नजर तईने <coughs> बहाल ये हो गया हमारा तादाद के हिसाब से अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन निकालती हूँ एक ये आयत है आप ये नोटिस करें कि अभी मफूल कि कितनी आप, प्रैक्टिस हो सके और इन शह मुझे उम्मीद है कि जो मेरा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा तो उसमें आपका ऑलमोस्ट तकरीबन सारा ये तमाम मफाइल खमसा की बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी तीन आपके सामने है ये आप ये समझिए कि मैं आपसे पूछ रही हूं आपने अपने मायक अपने अनम्यूट नहीं करने ठीक है और तीनों जो है इन तीनों में से एक एक की एग्जाम्पल है ठीक तो अब यहाँ पे क्या है तक्तीलन और यहाँ पे क्या है हजरन जमीलन ये एक मुरक्कब बन कर आ रहा है यहाँ पे है अल खत फता यहाँ पे जो है ये ता अरबूता के साथ आया है यहाँ पे ता अरबूता के वगैरह हैं दोनों सिंगल ये भी सिंगल नाउन है ये भी सिंगल नाउन है जम लेकिन एक के साथ तामूता नहीं है दूसरे के साथ तामूता है आप नोटिस करें पहले वाले को तो देखे सेम रूट लेटर्स हैं, जो फेल के अंदर हुए इस्तेमाल तो अब इन दोनों इन तीनों में से ये कौन सा वाला होगा ये ताकिदी है इसके अंदर जब आप तर्जमा करेंगी तो ताकदी तर्जमा करेंगी नेक्स्ट ऊपर वाला आ जाए जमीलन यहाँ पे भी हा जी मुरा फेल के अंदर हा जी मुरा मफूल मुतलक भी हा जी मरा सेम रूट लेटर्स है तो ये नोयत बयान हो रही है कि तुम उन्हें छोड़ दो कैसा छोड़ो मतलब उसको किस किस्म का छोड़ो कैसी नोइियत है तो वो है कि उनको जब छोड़ दो तो अच्छे तरीके से छोड़ दो ठीक है अच्छे तरीके से उनको छोड़ दो ये तरीका बताया जा रहा है नोयियत बयान की जा रही है कि कैसे उनको छोड़ो किस तरीके पे उनको छोड़ो आगे आगे देखें खा तोहफा सेम रूट लेटर्स उसी मफूल के अंदर आए हैं ताम और बूता के साथ तो आप समझ आए कि यहाँ पे आप तादाद बयान होगी ठीक है कि अगर वो उचक भी ले जाए एक आध बात एक आध का मतलब एक एक कोई बात उचक भी ले जाए ये शैतानों की बात हो रही है कि शैतान जो आसमानों पे घात लगा के बैठे होते हैं ना कि हमें कोई खबर मिल जाए और फिर हम आगे अपने मोकलों को वगैरह को दें तो वो क्या होता है कि उसके बारे में बताई जा रही है कि अगर वो कोई एक बात ले भी जाए फिर आगे पूरी आयत होगी तो आपको पता चलेगा ठीक है एक बात तो इस वजह से हो रहा है कि एक बात उचक ले जाए उठा के ले जाए तो यहाँ पे तादाद बयान हो गई फिर तो मुझे उम्मीद है कि आपको मफूल मुतलक यहाँ पे इन तीनों अंदाज से आपको समझ आया होगा अब मफूल मुतलक का एक मैं एक नया अंदाज समझाना चाहती हूं <clears throat> क्योंकि मेरी कोशिश है कि मेरा कोई पॉइंट मिस ना हो हर चीज मैं आपको समझाऊं अब आप देखिए आपके सामने कुछ लफ्ज हैं खुशी मुसरत ये एक ही मायने दे रहे ना चाहे खुशी है चाहे मुसरत है मैं कहूँ मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई या मैं आपसे कहूँ मुझे आपसे मिलकर बहुत मुसरत हुई बात एक ही है मफहूम एक ही है लेकिन अल्फाज मुखलिफ है मौत या फोत अगर हम कि फला इंसान फला इंसान की फ, मौत हो गई या फला इंसान फोत पा गया बात एक ही है बस अल्फाज का चुनाव मुख्तफ है गाना या गीत नजरें या निगाहें बात एक ही है ठीक है अल्फाज हैं तो ऐसी सूरत में क्या है कि मुख्तलिफ अल्फाज मगर हम मानी तो अभी हमने जितना मफूल मुतलक किया था उसमें क्या था कि वो हम मानी भी थे क्योंकि उनके रूट लेटर सेम थे वो लफ्ज एक ही था यहाँ पे क्या है लफ्ज मुख्तलिफ है माना वही है तो ऐसी सूरत में भी आपको कुरान पाक में मफूल मुतलक मिल सकता है कम मिलेगा बहुत कम मिलेगा लेकिन चूंकि मिल सकता है और हम मफूल मुतलक सीख रहे हैं तो अब मेरी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर पॉइंट से वो बात समझाऊं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो इन अब देखें यहाँ पे भी ये फेल है इसके मैं रूट लेटर्स इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि इनके रूट लेटर्स सेम नहीं है लेकिन इनका माना सेम होगा जो भी इसका इस फेल का जो मफूल मुतलक बनेगा उसका भी वही माना होगा जो कि इस फेल का है हा की जमीर है तो इसमें तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है ये मफूल भी ही हो गया आईना ये मुदाफ और अल यकीनी मुदाफ़िले मिलकर ये मफूल मुतलक बनेगा अब देखिए आईन किसको कहते हैं आंख को आंख से हम क्या करते हैं देखते हैं आंख से हम ना खाते हैं ना सूंघते हैं ना सुनते हैं आंख का अमल देखने के लिए है और ये जो रा हमजा या इसके अंदर ये रा, या रा इसका भी होता है देखना या उूना ये जो है ये भी होता है कि तुम सब यकीनन देख लोगे और आईना को उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है इसके अंदर एक नोयत बयान हो रही है बेसिकली नोयत बयान यहाँ पे भी नोयत है क्योंकि ये मरक्ब बनकर आ रहा है ना मुरक्ब बनकर आ रहा है मफूल मुतलक तो हम यहाँ पे इसकी नोयत बयान करेंगे कि वो देखना कैसा देखना होगा ठीक है देखा तो जाएगा वो किस किस्म का देखना होगा तो फिर तुम सब देख लोगे किसे उसे मफूल डायरेक्ट मफूल उसे देख लोगे कैसा देखोगे उसकी अब एक नोत बयान हो रही है यकीन की आंख से हम जैसे बच्चे को कहते हैं ना अमूमन टीचर स्कूल में कहती हैं जो टीचर्स वो समझ जाएंगी कि आंखें खोल के देखो अब जहरी बात है हर इंसान आंख से ही देखता है ना तो नाक से देखता है ना मुंह से देखता है ना कानों से देखता है आंख से ही देखेगा ना लेकिन कहने का क्या मतलब है कि आंख से आंखें खोल कर देखो या हम कहते हैं कान खोल के सुनो अब बता हर इंसान कान खोल के कानों से ही सुनता है ना तो आंखों से सुनता है ना मुंह से सुनता है लेकिन वो बंदा ये भी कह सकता ना गौर से सुनो लेकिन कान खोल कर सुनो इसका क्या मतलब हुआ कि उस बात के अंदर हम एक तो ताकि पैदा कर रहे हैं और एक जोर पैदा कर रहे हैं ठीक है उसकी एक नोयत बयान कर रहे हैं कि सुनो लेकिन कैसे सुनो इतना गौर से सुनो कि बात सही समझ में आ जाए ठीक है तो इस तरह से ये बयान हो रहा है तो ये एक मफूल मुतलक का ये भी अंदाज है कि हम माना होगा तो आप उसको भी मफूल मुतलक बनाएंगे ठीक चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा मफूल मुतलक कंप्लीट हुआ अब हम चलते हैं मफूल फी ही की तरफ इससे तो आप माशाल्लाह फेमिलियर हैं जुमला इस्मिया में आपने तकरीबन काफी हद तक ये किया हुआ है और उस टाइम जब मैं ये लेक्चर करवा रही थी तो मैंने कहा था कि इसका कुछ हिस्सा आप जाके जुमला फेलिया में सीखेंगी और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ चुका है फी ही वो होता है कि फेल वाक्य होने का वक्त या जगह का तयन करे <coughs> वही चीज जो मैंने अभी बयान की कि मफूल मफुल्फी जर्फ जमा या जर्फ मकाम होते हैं अब है समझ गए होंगी कि हाँ हमने ये जुमला इसमिया में किया था जो फेल के वाक होने का वाक वक्त या जगह का तयन करते हैं ये स्क्रीन अब आपको ये जो हमारी टीचर आई थी उस टाइम मैंने यहीं से ये कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन हुई भी थी क्या एक्सप्लेनेशन थी जर्फ की कि जर्फ वो इस्म होते हैं जो वक्त या जगह का तयन करते हैं जर्फ अमूमन मुदाफ बन कर आते हैं और इनके बाद हालत नस्ब में होते हैं मैंने अमूमन क्यों लिखा मतलब ज्यादातर अगर इनके पीछे इन जरूर से पीछे अगर कोई हरफे जर आ जाए तो वह फिर मजरूर बन जाएगा तो ठीक है वो जब मजरूर हो गया तो अब फिर वो मफूल फी ही नहीं बन सकता क्यों क्योंकि मफूल फी ही तो न मनसूब होते हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट है कि वो हालत न सब में हो अगर उनके पीछे हरफित जर आ गया तो अब वो फिर मफूल फी ही नहीं बनेंगे अगर पीछे हरफ जर नहीं है तब फिर वो मफूल फी ही बनेंगे मरकब इजाफी बनकर आज के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जब ये जरफ जुमला फेलिया में आएंगे तो मफूल फी ही बनकर आएंगे ठीक है ये मकफूल फी ही कहलाते हैं जो जरूर हमने सीख, सीखे हुए हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह और उसके लिए अगर आप मजीद दोबारा से आप रिवीजन चाहती हैं या जो पहली बार देख रही हैं अगर वो जरूर को सीखना चाहती हैं तो लेक्चर ट्वेंटी को जरूर देखें क्योंकि आधे से मेन डिटेल के साथ जो कहते हैं ना वो मैं इस लेक्चर ट्वेंटी में समझा चुकी हुई हूँ इसलिए मैं उसको मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगी जो मैं इस लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अब मैं आज उसको रिपीट नहीं करूंगी ठीक है तो इसलिए लेक्चर ट्वेंटी को भी आप अपनी रिविजन के लिए जरूर देख लें। चले मफूल फी ही मफूल फी ही क्या होता है ये जर्फ होते हैं ये आप समझ रहे आप कि मफूल फी ही बस सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं जर्फ होंगे हमेशा 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 जर्फ होंगे जो मफूल फी ही बनेंगे अब वो जर्फ क्या होते हैं जर्फ, जर्फ जर्फ जमा भी हो सकते हैं और दो तरह के जरूर जर्फ जमा और जर्फ मकफ जमा क्या होता है ऐसे इसम जो जमाने या वक्त का दे जमाने को जाहिर करे या वक्त को जाहिर करे और जर्फ मका क्या होते हैं ऐसे इसम जो जगह का मफूम दे तो उसको जर्फ मक कहेंगे जो किसी मकाम को किसी जगह को डिफाइन करें चले अब हम थोड़े से अपने जफ्फ़ जमा और जफ़ मका को भी देख लेते हैं ये जरफ़ जमा की लिस्ट है ठीक है आप इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जर्फ मका है इनका आप पूरा इस, इसका जरूर स्क्रीन शॉट लेके रख लें क्योंकि ये आपको बहुत फायदा देगा जिस तरीके से आपने देखिए हरूफ जार याद किए हैं आपने हरूफ मुशब याद किए हैं हरूफ नासीबा याद किए हैं हरूफ जामा याद किए हैं ये सारे हरूफ नहीं है ये इस्म है ये जो जरूफ होते हैं ना ये इसम होते हैं होते हैं तो आप इनको भी थोड़ा सा याद कर लें याद बेशक ना करें बस इनकी आपको ये हो कि जब आपको ये आयत के अंदर नजर आए ना तो आप इनकी पहचान कर लें कि हाँ ये तो जर्फ थे अब जर्फ है जुमला फेलिया के अंदर आए हैं तो ये मफूल फी ही बनेंगे बस फिर इसलिए आपको मफूल फी ही का चुनाव करना भी बहुत आसान हो जाएगा आपने कुछ और सोचना ही नहीं पड़ेगा जब आपको इनकी पहचान हो जाएगी ना तो फिर आपको जब ये आयत के अंदर नजर आएंगे और पीछे आपको अगर फेल नजर आए फिर आपने समझ जाना है कि अब ये जर्फ जो है उस फेल के लिए मफूल फी ही बनेगा सिंपल तो इसलिए मफूल फी ही को भी समझना आसान है और मफूल मुतलक तो बहुत ही आसान है क्योंकि वही सेम रूट लेटर आपको नजर आ जाएंगे ठीक तो ये सारे देखें जो जर्फ जमा है उसके अंदर टाइम हो रहा है दिन रात सुबह शाम इस तरह की बात हो रही है आज कल इस तरह की बातें और जो जर्फ मकान है वो क्या है आगे पीछे ऊपर नीचे इर्द गिर्द दरमियान आमने सामने इस तरह की बातें हैं इस तरह के अल्फाज है ठीक है तो चलें अब आपको मैं मफूल फी की एग्जाम्पल आयत से देती हूं आपके सामने एक फेल है अब आगे हु की जमीर मफूल फी ही देखिए मफूल फी ही आपका साथ ही छोड़ेगा माशाल्लाह ये बहुत पक्का बंदा है <laughs> अच्छा अब क्या है बुक रतन व असीलन यहाँ पर क्या है कि ये बुक रतन व असीलन ये दोनों हालतें नसब में हैं पहले इसका अच्छा तर्जमा कर लेती हूँ ताकि मैं आपको बात को समझा सकूं तो सब हु ये क्या है कि तुम सब तस्बीह करो अब क्वेश्चन खड़ा होता है किसकी ठीक है ताकि मैं ये क्वेश्चन क्यों रेस कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको फायदा देंगे खासकर उन स्टूडेंट्स को जिनको अगर फिर भी मुश्किल हो कि हम मफाइल हमें समझने में मुश्किल हो रही है तो वो जब इन क्वेश्चन को रेस करेंगी ना खुद से और फिर जब उसका आंसर ढूंढेंगी तो फिर उन्हें समझ से ही आ जाएगा <coughs> तुम सब तस्बी करो क्वेश्चन खड़ा होता है किसकी तो जिसकी तस्बी बयान की जाएगी क्योंकि तस्बी फेल है जिसका अमल डायरेक्ट होगा उसके ऊपर वही मफूल मफूल भी बनेगा यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो मफूल भी ही क्या है उसकी तुम सब तस्बी करो उसकी उसकी मतलब अल्लाह इज़्ज़त की अब अगला क्या सवाल है अगला सवाल ये होता है किस वक्त कब करें तस्बी करें अल्लाह का जिक्र करें जिक्र अस्कार मतलब करें तस्बी बयान करें अल्लाह की हंध बयान करें तो किस वक्त करें तो वो वक्त बयान हो रहा है सुबह और शाम तो ये जो बुक व असीलन ये हालत नसब में है इसलिए क्योंकि ये जर्फ़ जमा है जमाने को शो कर रहे हैं और जर्फ जमा जब जुमला फेलिया में आएंगे तो वो मफूल फी ही बनकर आएंगे यानी तुम सब तस्बी करो सुबह शाम करो ओके मुझे उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से काफी हद हाँ तक समझ आ चुकी होगी एक जर्फ जमा की एग्जाम्पल और अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ज़रफ़ मका से देती हूँ और फा फेल हो गया ना की जमी जो है वो फाइल है फेल है रफा ना हमने बुलंद किया हमने बुलंद किया अब क्वेश्चन खड़ा होता है किसको क्या बुलंद किया ठीक है दो लफ्ज आप ध्यान में रख लें क्या किसको इसके जवाब में जो लफ्ज आपको मिलेगा आयत के अंदर वो क्या बनेगा मफूल बिही और अब इसमें है कि हमने बुलंद किया तूर को कि अब जो तूर है यहाँ पे ये हालत नसब में नजर आ रहा है तो ये मफूल बिही बनेगा जरूरी नहीं कि मफूल बिही जो है वो आपको फेल के बिल्कुल साथ ही मिल जाए वो थोड़ा आगे भी जाके मिल सकता है इसलिए मैं ये क्वेश्चन रेज कर रही हूँ क्या किस को कि जो लव, जो लफ्ज लव आपको इस सवाल का जवाब देगा ना कि चाहे वो आयत में किसी भी जगह मौजूद हो एक लफ्ज के बाद आए दो लफ्ज के बाद आए उसको आपने मफूल बिहि बनाना है तो वो है अकूर के तूर को बुलंद किया बुलंद करने का अमल डायरेक्ट तूर पे हो रहा है ठीक है जिसको बुलंद किया जाएगा वो मफूल भी ही बनेगा अब क्वेश्चन खड़ा होता है कहाँ बुलंद किया कहा बुलंद तो किया लेकिन कहाँ बुलंद किया इसके जवाब में आ रहा है तुम सबके ऊपर फाउका का मतलब होता है ऊपर तो अब ये जो फाउका है ये जर्फ मका है और ये मरकब इजाफी बनकर ये पूरा मफूल फी ही बन जाएगा ठीक ये जर्फ मक है और जर्फ आपको पता है कि क्या बनता हैं ये जर्फ से बनने वाला मरकब इजाफी है और मफूल फी ही बन जाएगा तो इस तरह से जर्फ जमा और जर्फ मकान जो है ये मफूल फी ही बनकर आते हैं <coughs> अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मफूल फी ही भी हो गया अब नेक्स्ट नंबर फोर पे जाते हैं इसका इस्तेमाल कम है और वो है मफूल अजली फेर होने की वजह बयान करे ऐसा फेल जो के, के वाक होने की वजह कर अच्छा, आजकल, आजकल जो भी हैं, उन्हें पता होगा कि ये खबरें अक्सर नोट में आती हैं कि फ्लां बाप ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया फ्लां माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया कितनी खबरें गर्दिश करती हैं कितनी आजकल सुनने में आ रही है और भी जब अब फिर हमारा अगला जॉब क्या होता है क्यों कत्ल किया क्या वजह थी हम ये पूछते हैं ना यहाँ हम कहेंगे फ्लाह ने फ्लाह को कत्ल कर दिया तो हमारा पहला सवाल ये होता है क्यों कत्ल किया क्यों ये जो क्यों का जवाब है ना ये जो लफ्ज आपको इसका जवाब इस सवाल के जवाब में आपको आयत में जो जवाब देगा जो लफ्ज देगा वो आपका मफूल ली, अजली होगा तो वो हम जब हमें जब हम पूछते क्यों कत्ल किया बाप ने अपने बच्चों को तो हमें क्या जवाब मिलता है हमें रीजन वजह बताई जाती है कि उसने गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को मार डाला गुर्बत इफलास के डर की वजह से कुरान पाक की आयत में भी देखें वही आजकल जो अमल हो रहा है 1400 सौ साल पहले अल्लाह ताला ने बता दिया और मना कर दिया कि ऐसा मत करना तुम लोग ऐसा करोगे पर ऐसा मत करना ला नहीं तख्तुलू फेल मुदार मजूम हो गया औलादकुम अब इसका पहले हम तर्जमा कर लेते हैं ला तख <coughs> कि तुम सब कत्ल मत करो अब क्वेश्चन खड़ा होता है किसको कत्ल करने का अमल किसके ऊपर हो रहा है किसको कत्ल ना करो वो है औलादकुम अपनी औलाद को तो ये मुरक्कब इजाफी बनकर मफूल भी ही बनेगा अब फिर वही वाला क्वेश्चन कि तुम सब कत्ल ना करो अपनी औलाद को लेकिन क्यों क्यों कोई कत्ल करेगा आखिर अपनी औलाद को कत्ल करना क्यों आसान बात है ये कोई मतलब एक मतलब सोचते ना ये तो नामुमकिन है कैसे क्यों कोई अपनी औलाद को कत्ल करेगा तो रीजन बताई जा रही है कि लोग कत्ल करते हैं करेंगे या करते हैं इस वजह से तो वो वजह बयान हो रही है इम्लाकिन. ये भी मुरक्कब इजाफी है चले मैं उसका तर्जुमा जो मैंने अभी वर्बली पहले ऑलरेडी बोल दिया है तुम सब कत्ल मत करो क्वेश्चन किस को अपनी औलाद को लेकिन फिर आप मना हैरान होते हैं कि अपनी औलाद को कोई कैसे कत्ल कर सकता है क्या वजह होगी क्या रीजन होगी कि कोई अपनी औलाद को कत्ल करेगा तो वो फिर खश जो है यहाँ पे उसकी वजह आ रही है क्यों वजह तो उसकी वजह फिर बयान हो रही है अफलास के डर से अफलास के डर से या गुर्बत के डर से आप इसमें कोई भी अब लफ्ज लिख सकती हैं ठीक है अफलास के डर की वजह से ये जो की वजह आई है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ये हालत नसब में है खशयता और ये नसब में इसलिए है क्योंकि ये मरकब इजाफी हो के मफूल अजली बन रहा है देखिए ये औलादा कुम भी मरकब इजाफी था ये मरकब इजाफी हो के मफूल भी ही बना और खदयती जो है खशतः जो है ये भी मरकब इजाफी बन रहा है और ये मफूल अजली क्योंकि इसमें उसकी वजह बयान हो रही है उस फेल की कि ये अमल क्यों हुआ क्यों होगा या क्यों होता है या क्यों ना हो मुझे उम्मीद है कि आपको मफूल अजली समझ में आया होगा कि ये वो ऐसा इसम होगा जिसमें आपको रीजन पता चलेगी वजह पता चलेगी सबसे कम इस्तेमाल होने वाला पाक में जो मफूल है वो मफूल जो कुरान पाक में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला है वो है मफूल माहू मतलब ना होने के बराबर ठीक है इतना कम इसका इस्तेमाल है तो इसमें होता क्या है <coughs> इस मनसूब इसम से पहले एक वाओ जरूर होता है आपको निशानी के तौर पर मिल जाएगा कि उसमें आपको एक वाओ नजर आएगा जिसे वाव मत कहा जाता है और ये साथ का मायने देता है इसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पे इस स्क्रीन पे लेकर आऊंगी यहाँ पे ये फेल फेलामर हो गया अमराखो मुरकब इजाफी होके मफूल भी ही बना वाओ मत एक और अंदाज से भी सीखते हैं मैं अभी आप, आप सोच कि हमें कैसे चलेगा हमने इसको मा, मा, वाव, मा बनाया मैं अभी आपको इनशाला समझ में आ जाएगा इस को दोबारा फेल अमर हुआ अमरकुम मुरकब इजाफी होके मतुफ अलई और इस बा को अब हम बनना लेते हैं हरफ अतफ और शुरुआब इजाफी बना के मातूफ अब ये पूरा मरकब अदफ़ी जो है ये मिल के बन जाएगा मफूल बिही क्योंकि मातूफ अलई जो है वो मफूल बिही है तो उसका मातूफ भी फिर मफूल बिही ही बनेगा अगर हम इसको मरकब अतफी बनाएंगे वाओ हरफे अतफ के जरिए अच्छा अब मैं तर्जमे की तरफ आती हूँ तो आपको फिर फर्क पता चलेगा एक है कि तुम सब पहले ऊपर वाले का तर्जमा मैं कर रही हूं तुम सब इकट्ठे करो या इकट्ठे कर लो अपने दाओ अपने शुरका के साथ ठीक है यहाँ पे आप देखे तर्जमा हमने और में नहीं किया इस वाव का तर्जमा और करके नहीं किया हमने इस वाव का तर्जमा किया है के साथ कि तुम सब इकट्ठे कर लो अपने दाओ अपने शुरका के साथ अब दूसरी तरफ आ जाए नीचे तुम सब इकट्ठे करो अपने दाओ और अपने शुरका यहाँ पे अब इस वाओ हर का तर्जमा क्योंकि हमने इसको हर फिर अतफ बनाया तो अब हम इसका तर्जमा करेंगे और के हिसाब से तो इसका तर्जमा ऐसे अंदाज में जब आपको मिले जिसमें वाव बीच में हो और एक तरफ भी मरकब हो दूसरी तरफ भी मरकब हो या एक तरफ भी कोई ऐसी चीज हो जो जिनका आप आसानी से मरकब अथवी भी बना सके तो आप मरकब अथवी करके भी उसका तर्जमा कर सकते हैं दोनों तरह से इसकी तरकीब हो सकती है लेकिन फर्क आपने फिर तर्जमे में जरूर रखना है अगर आप उसको मरकब अतफी बनाएंगी तो फिर आपने करना होगा कि और का तर्जमा करके तुम सब इकट्ठे करो अपने दाओ और अपने शुरका। और जब आप उसको वाओ मियत बनाएंगी तो फिर मफूल भी ही अलग होगा और मफूल माहू अलग हो जाएगा ये दोनों चीजें फिर अलग अलग हैं फिर आप कहेंगी कि अपने दाओ इकट्ठे करो अपने शुरका के साथ इस तरह करके तर्जमा करेंगे शुरा जो है ये फेल हो गया आगे हुम की जमी जो है मफूल भी ही हो गया वाओ मायत अश्यातीनी मफूल माहू। तर्जमा हम जरूर बिल जरूर इकट्ठा करेंगे किसे इकट्ठा करेंगे उन्हें किन के साथ इकट्ठा करेंगे शैतिन के साथ हम जरूर बिल जरूर इकट्ठा करेंगे उन्हें शैतीन चले इसकी इतनी एग्जाम्पल बहुत है क्योंकि इसका इस्तेमाल ही कम है इसलिए इसकी आपने वैसे भी फिक्र नहीं करनी <coughs> अच्छा अब मैं आपको इसमें लेकर आती हूँ वो क्वेश्चन कि अब आपके सामने मिसाल के तौर पर आयत आई है क्योंकि आगे इनशाला आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए पर कोई बात नहीं क्योंकि हम पांच देखे महफूल सीख रहे हैं और डिटेल के साथ सीख रहे हैं देखे बयान कर रही हूँ लेकिन तफसील से बयान कर रही हूँ तो इसमें मैंने अब जोर पैदा किया अच्छा Uh, मफूल बिही जब आपने इसकी पहचान करनी हो आयत के अंदर तो आपके जहन में आना चाहिए क्या किसको तो इस सवाल का जवाब जब आपको आयत में जो लफ्ज देगा उसको आप मफूल बिही बनाएंगे मफूल मुतलक की पहचान कैसे करेंगी सेम रूट लेटर बस इसकी तो और टेंशन ही ना लेना इसके तो सेम रूट लेटर जिस जब आपको फेल के बाद मिल जाएंगे वो आपका मफुल मतलब होगा इसलिए ये तो बहुत ही आसान है इजी बिजी नेक्स्ट आ जाए मफूल फी ही जरफ जब आपको जर्फ नजर आ जाएगा और जर्फ की लिस्ट आपके सामने मैंने मैंने जर्फ जर्फ जमा और की जो लिस्ट आपसे कहा है कि आप उसको जरूर ले, ले तो जब आप उन जर्फ की पहचान हो जाएगी आपको तो फिर क्या होगा कि आप फौरन पहचान लेंगी कि ये तो जर्फ है और ये फेल के बाद आया है तो ये तो मफूल फी ही बनेगा फिर ना तो आप मफूल बिही को सोचेंगी ना मफूल मुतलक को सोचेंगी ना नाली अजली ना ही मा आहू को आप फौरन पहचान कर लेंगे ये तो मफूल फी ही बनेगा क्योंकि ये जर्फ है और जर्फ हमेशा मफूल फी ही बनते हैं जुमला के अंदर अगर फिर भी आपको जर्फ की पहचान नहीं है बिल फर्श आपको जर्फ की समझ नहीं आ रही कि ये जर्फ है भी कि नहीं तो फिर आप अपने क्वेश्चन रेस करें कि कब कहा जो आपका लफ्ज आपको इन दो सवालों के जवाब दे कि ये अमल कब हुआ कहाँ हुआ और जो लफ्ज इन जवाल इन सवालों के जवाब दे देगा वो आपका मफूल फी ही होगा कब और कहाँ को आप जहन में रख लें ये सवाल उठता है मफूल फी ही के लिए क्या और किसको का सवाल उठता है मफूल बी ही के लिए और मफूल ही अजली के लिए सवाल है क्यों जो लफ्ज आपके लिए सवाल उठाए क्यों ये अमल क्यों हुआ उसका जो जवाब आपको आयत के अंदर जो लफ्ज देगा वो आपका मफूल ही अजली बनेगा और मफूल माहू ये बेचारा तो सा आया ही बहुत कम है इतना कम है कि बहुत ही कम है और उसकी पहचान ये है कि आपको शुरू में उस मंसूब इसम से पहले आपको वाव नजर आएगा वाव नजर आएगा ठीक है तो ये वाव उसकी पहचान होगी कि ये मफूल ये मफूल माहू है या नहीं है चले जी माई स्वीट सिस्टर्स रेडी फॉर द प्रैक्टिस नाउ आप सब अपने माइक को अनम्यूट कर लें लेकिन यह है कि जिस जिस से पूछूं तो नमाज के लिए जाएं बिल्कुल और जिनका नमाज का भी आगे पीछे टाइम okay. नहीं है तो वो आ जाए प्रैक्टिस के लिए और जैसे आप लोगों की नमाज खत्म हो तो प्लीज वापिस आए ठीक है इंशाल्लाह अच्छा चलिए अभी ऐसा करते हैं जी सिस्टर राबिया और सिस्टर अलमास हैं ठीक तो सिस्टर राबिया आप मुझे पहले मैं कुछ चीजें मैं तो खुद जल्दी तो करूंगी ताकि हमारा लेक्चर लंबा ना हो आप मुझे सबब ना का बताएं और इसके रूट लेटर्स बताएं स्वाद बा बा इसका रूट लेटर है और ना इसमें इसका ननू फाइल ना फाइल हो जाएगा ये 14वां कीवा है सबब ना फेल मार्जी है तो आप करें। आप सिर्फ सबब ना का तर्जुमा कर तो हाँ। हमने बरसाया वेरी गुड बेशक हमने बरसाया अब क्वेश्चन मैं कर रही हूँ क्या बरसाया आप बताए की ये अलमा क्या बनेगा मफूल बनेगा हाँ आप सिर्फ मफूल भी कहते तो मफूल हाँ, जी, जी तो जी, ये मफूुल बिही कि पानी बरसाया जो चीज बरसाई जा रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा पानी अब ये बताएं कि ये जो सब बन है ये क्या बनेगा ये इसका भी मादा ये मजदर है इसका भी मादा यही स्वाद बाबा है बाबे नून से आएगा और चूंकि ये सबना का ही मजदर है इसलिए ये मफूल मुतल बनकर आएगा वेरी गुड ये मफूल मतलब है क्योंकि सेम रूट लेटर्स है और उसके अंदर एक जोर पैदा करने के लिए तो आप जोर पैदा करें जरा बेशक हमने हमने बरसाया पानी, पानी बेशक हमने पानी को बरसाया आगे ने, इसके ने, बरसाने को थोड़ा जोर दे खूब जोरदार बरसाया सिर्फ अच्छा बरसाया बरसाया ठीक है खूब जोरदार बरसाया अच्छा ये फिर जुमला फेलिया हो के पूरा खबर इन्ना बन के और इसम इन्ना खबर इन्ना मिलके जुमला इसमिया लेट्स गुड माशाल्लाह बेहतरीन नेक्स्ट सिस्टर अल्मास आ जाए बाकी भी प्लीज सिस्टर जो जो अवेलेबल हैं जल्दी अपने माइक अनम्यूट कर लें अनम्यूट करें ताकि आप सब भी पार्टिसिपेट कर सके आप मुझे बताए अलमास शक्कना के बारे में इसके रूट लेटर्स बता दें जी अलमास क्विकली आपकी आवाज नहीं आ रही अलमास जबीना आप स्टार्ट करें जी asalamualaikum wa alaikum salaam shin qaf very good अब शقق का मतलब होता है फाड़ना इसका तर्जुमा करें। फिर हमने نے फाड़ा हम अब क्या, क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है क्या क्या का सवाल आता है फाड़ा? कि क्या बिल्कुल तो आप बताएं वो क्या है अरजा

से फाड़ा, या बहुत ज्यादा फाड़ा बिल्कुल आप ये भी कह सकती हैं बहुत ज्यादा फाड़ा बिल्कुल कह सकती है या फिर आप इसकती इस हैं जमीन को चीर फाड़ा या बहुत ज्यादा फाड़ा ठीक है तो बिल्कुल ठीक माशा ये पूरा जुमना फेलिया होके अतफ हो जाएगा सिस्टर निकोसर सिस्टर कौसर के बाद सिस्टर नजमा आप रेडी रहिएगा सिस्टर कौ सर आप मुझे ये यौमा इस दिन जो है ना ये यौमा अलग है और इस दिन अलग है यौमा के बारे में बताएं बताए वो है जिसमें वक्त जरफे जमा पाया जाता है हाँ ये जर्फ़ जमा है और ये जब जमा क्या बनकर आते हैं जमा हो या मकाऊ हो ये जर्फ क्या बनकर आते है? अगर हैं अगर पीछे हरफे जा नहीं है तो ये मुदाफ बनकर आएंगे

ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है मैम ये अखबार है ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है और हाज हा जो हा ज़मीर है वो मफूल भी बन रहा है नहीं नहीं अखबार हा की ज़मीर मुदाफ इलै है ना अखबार मुदाफ, तो मुदाफ है अखबार मुदाफ है और हा की ज़मीर मुदाफ इलै है पूरा मिलके मु� मुरक्कब इजाफी हुआ अब मैं आपसे ये पूछती हूँ पहले मैं इसका तो हदीसु का तर्जमा है कि वो बयान कर देगी अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या बयान करेगी जो चीज बयान की जाएगी वो मफूल भी ही बनेगा आपके सामने दो मुरकब है ग्रीन वाला और ब्लू वाला कौन सा मुरकब है जो अम, मफूल भी ही बनेगा यानी कि बयान करने का अमल किस पे हो रहा है ए, यो अच्छा यौमा इस दिन क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है मफूल भी ही बन सकता है क्योंकि यौमा से आप देखे यौम कहते हैं दिन को जी तो वो तो अखबार अखबार ये मफूल भी ही बनेगा कि वो बयान कर देगी क्या बयान करेगी अपनी खबरें जो बयान करेगी वो वो मफूल भी ही बनेगा अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि कब बयान करेगी कब बयान करेगी तो फिर उसके लिए ये क्या बनेगा कब का कब का सवाल किसके लिए खड़ा होता है किस मफूल के लिए कब का सवाल खड़ा होता है और जरफे मकान के लिए और इस मफूल को कहते हैं मफूल फी ही, मफूल फी ही। तो म, जब म, ये पढ़ाया ना तब मैं नमाज के लिए चली गई थी इसलिए मुझे ना इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई अच्छा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठीक है तो यही लग रहा था शायद आपने सुना नहीं है अच्छा मफूल फेही मुकदम इसलिए लिखा क्योंकि ये फेल से पहले आया है तो ये मफूल फीही, ये मफूल जो है फेल से पहले भी आ सकते हैं कि वो बयान कर देगी अपनी खबरें उस दिन अब ये एक जमाना जाहिर हो रहा है ना कि उस दिन बयान करेगी तो ये जमाना है तो ये मफूल फी बनेगा यौमा का लफ्ज जो है ये काफी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है तो आप सब जहन में रखें कि यौमा जो है ये जब जुमला फेलिया में आएगा और ये यौमा इज़िन ही अमूमन इस्तेमाल होता है यौमा इज़िन तो ये मुरक्कब इजाफी हो गए ये मफूल फी ही बनेगा सही ठीक है अच्छा नेक्स्ट आ जाए सिस्टर कौन सी सिस्टर अवेलेबल सिस्टर नजमा सिस्टर नजमा के बाद सिस्टर अलमास आप का उस टाइम नहीं था आप दोबारा बेशक आ जाइएगा और भी जो सिस्टर हैं प्लीज अपने माइक को अनम्यूट रखें अच्छा सिस्टर नजमा आप स्टार्ट करें मैं भी कल्ला भी को भी तो मैं करती हूँ लाऊ को भी मैं इन चीजों को इसलिए जल्दी लेके चल रही हूँ क्योंकि हमारा फोकस इस पे नहीं है कल्ला हर लाऊ जो है ये शर्त के लिए इस्तेमाल होता है और आगे इस चीज़ को हम मजीद डिटेल से सीखेंगे भी ताला इसके मुझे रूट लेटर बताये इसका रूट लेटर है मैम और ये मुजारे का सीखा है बिल्कुल ठीक हो गया कि ये जो है फेल जो है इसके रूट लेटर अच्छा, इस जो मुदाफ है उसके रूट बताएं। इसका जो मुदाफ, काफिया, काफिया। मुदाफ मुदाफ मुदाफ, 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 इल्मा मुदाफ है आय लाम मीम जो है इसके मुद ये रूट लेटर्स हैं देखिए देखिये लाम मीम और इधर भी लाम मीम ता तलामूना इस फेल के अंदर भी वही रूट लेटर्स हैं जो के मुदाफ के अंदर हैं और अल यकीनी हो गया मुदाफ मुदाफी अब ये पूरा मुरकब इजाफी क्या बनेगा फेल बना। मतलक बना। मतलक नहीं मुतल मुतल और चीज होती है मुतिक जो है मुतलक अच्छा अब ये पूरा हो गया जुमला फेलियर कंप्लीट <coughs> अच्छा अब इसका आप तर्जमा करें मैम ये पहले का तो नहीं आ रहा लेकिन ये आगे वाला तो ये समझ में आ रहा है कि यकीनन तुम जान लोगे अल्लाह लो यकीनन जान लोगे अच्छा यकीन इसलिए ना करें क्योंकि यहाँ पे कोई भी हरफे जो है ना ताक़ीद के लिए वो नहीं है मतलब इन्ना वगैरह नहीं है तो कलक कल हरगिज नहीं अगर तुम्हें इल्म इल्म होता अब उस इल्म की नोयत बयान हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है ये बल्कि मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि ये मरकब इजाफी है तो अब मुरब इजाफी जब मफूल मुतलक बनता है तो वो क्या करता है ताकीदी होता है नोयती होता है या वो अदद बयान करता है तो ये है ये मैंने खुद इसका चुन चुके जवाब दे दिया कि अब यहाँ पे नोयत बयान हो रही है कि कैसा इल्म? उस इल्म की क्या नोयत है और वो नोयत ये है कि यकीन का इल्म अगर तुम्हें बयान हो रही है तो मुतलक होके इसकी नोयत बयान हो रही है ठीक हो गया ओके जी सिस्टर न वालेकुम वरम् वाह को मैं खुद कर देती हूँ ये फेल है इसके अंदर फाइल जो है वो नहनू की जमीर है इसका आप जो, और है, ना मफूल। मफूल। आ, आप इसका जो है ना तर्जमा आप करें तरक ना तरक का मतलब था छोड़ना छोड़ना और छोड़ा हमें हमने छोड़ा हम्म हमने छोड़ा अब आप, आपके सवाल आपके जहन में क्या सवाल आता है क्या छोड़ा और किसको छोड़ा वेरी गुड किसको छोड़ने किसका छोड़ा जो होगा ना तो वो बनेगा एक और मफूल भी ही. क्या छोड़ा जी। वो भी मफूल भी और, ही, किस... और किसको छोड़ा वो सेकंड मफूल भी ही बनेगा अब वो यहाँ जी. पे अलबत् नहीं है क्या छोड़ा अलबत् वो ये यू सूफा हालत क्या बनेगा ये फिर बिल्कुल क्या बनेगा इसको आप क्या बनेगा मफूल भी बनेगा ये वेरी गुड क्योंकि डायरेक्ट अमल इस पे हो रहा है कि कि जिसको छोड़ा हमने छोड़ा हमने यूसुफ को अब ये क्वेश्चन होता है कि किसी को छोड़ा लेकिन आपके को में ये भी हाँ, चले तो ये इंदर जो है ना ये जर्फ होगा बिल्कुल ठीक और हाँ हाँ जी और ये जो है ना आगे मताई ना ये जाफी बन जाएगा मरकब इजाफी होके ये मुदाफी बन जाएगा इंदा मुदाफ के लिए। अब ये पूरा क्योंकि ये एक जमाने को जाहिर कर रहा है आ, को जाहिर कर रहा है, जफ है ये कहाँ छोड़ा ठीक हो गया तो ये पूरा बन गया जुमला फेलिया के अच्छा ये तर्जमा आप बात आई बल्कि कि हमने छोड़ा यूसुफ को अब इसका तर्जमा करें मता कहते हैं सामान को हाँ जी इन द पास या करीब मताए ना अपने सामान के हाँ जब वो घर आए थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तो अपने वालिद मोहतरम को बता रहे थे कि हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ा था और पता नहीं खुद खेलने चले गए या क्या बहरहाल वो फिर वो रीजन बता रहे थे ठीक है कि हम उन्हें यूसुफ को छोड़ा था अपने सामान के पास तो ये पास से पता चल रहा है कि ये जर्फ मकान की बात हो रही है <coughs> तो ये पूरा जुमला फेलिया इस तरह कंप्लीट हुआ जी ओके दैट्स गुड माशाल्लाह बेहतरीन नेक्स्ट आ जाएं नूर जहां जी नूर जहां आप मुझे ये बताएं यहां पे अतबा जो है फेल है और फिर आउन व जुनूद हु जो है ये हालत रफा में है तो ये क्या बनेगा फागिल फाइल फिर फिराउना जो है ये वाहिद मुफरद इसम है और जुनूद ये मुरकब इजाफी होके ये इसका मातुफ बनेगा फिर फिराउना का तो ये पूरा मुरकब अतफी होके फाइल बनेगा तो अब फाइल को फेल के साथ मिला के जरा तर्जमा करें तब आ का मतलब होता पीछा करना फिर और उसके जुनूद लश्कर जो जु, जुन दुन लश्कर और जुनूद जमा मुकसर है फिर और उसके लश्करों ने पीछा किया, उन, पीछा किया उनका क्या किया अब क्वेश्चन होता है किसका पीछा किया तो वो क्या यहाँ पे मफूल भी ही क्या बनेगा हुम 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 की जमीर मफूल भी ही हो के okay? ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि जिनका पीछा किया गया उनका अब आगे वजह बयान हो रही है जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फ्लांग बंदा फ्लां का पीछा कर रहा था तो आप उसे पूछेंगे क्यों पीछा कर रहा था रीजन पूछेंगी तो यहाँ पे भी कुछ आगे कुछ ऐसी हो रही है। जी बोले क्या कह रही है, मफूल ली है। हाँ, बिल्कुल ये दोनों जो इस वक्त मंसूब है मुरकब अतफी होके ये मफूल ली अजली बनेगा या इसको मफूल लाहू भी कह सकते हैं तो अब इसमें रीजन बयान हो रहा है हो रहा है कि उन्होंने क्यों पीछा किया तो बगजन होता है सरकशी करना भगावत करना या जुल्म करना उद्वन तो अदवन जो है ये दुश्मनी को कहते हैं तो तर्जमा करें आ, फिरौन और उसके लश्करों ने हाँ पीछ, पीछा किया पीछा। उनका के जुल्म, जुल्म ज्याति, जुल्म ज्याति और आप जो है आप, आ, मैं भी जुल्म दुश्मन? और दुश्मनी हाँ, में जुल्म और दुश्मनी की से। उनकी दुश्मनी वो रखने शुरू हो गया था ना फिर जो था वो दुश्मनी रखने शुरू हो गया थाजर मूसा से उनपे जुल्म करता था और वो किस लिए पीछा कर रहा था एक ये उसकी दुश्मनी थी दूसरी ये के वो उनको पता जुल्म करे। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से वो पीछा कर रहा था कि अपनी हसद की वजह से जुल्म दुश्मनी की वजह से और दूसरा और सरकशी भी कर सकते हैं उसकी वजह से और दूसरा इस वजह से कि उनको पकड़ के उन पर जुल्म करें ठीक हो गया <coughs> तो यहाँ पे ये रीजन बयान हो रही है इस वजह इस वजह से ये हालत नसब में है अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी सिस्टर वास्तव आएंगी जल्दी से आ जाए मैम मैं, मैं जी बिल्कुल आ जाए अच्छा का ये क्या है बस फेल है हाँ इतना काफी है अब इसका तर्जमा आप करें पूछू ना आप उस लिहाज से करें ताकि ना समझने वाले को सही समझ आए खलाका का तर्जमा करें पहले उसने पैदा किया हाँ अब क्वेश्चन होता है कि क्या पैदा किया आप बताएं कि अल्लाइला व नहारा क्या बनेगा मुरकब मुरकब अतफी होके क्या बनेगा फेल के लिए मफूल मफूल पे ही बनेगा मफूल भी ही बनेगा, बनेगा क्योंकि जो पैदा करने का अमल है कि किसको पैदा किया क्या पैदा किया तो वो है रात और दिन को पैदा किया अब दूसरी तरफ आ जाए यूसब भी ये भी फेल है इसका तर्जमा करें तो वो तस्वीर बयान करते हैं वो तस्बी बयान करते हैं बिल्कुल ठीक हो गया अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि वो तस्बी किसकी बयान करते हैं पहली बार तो मुझे ये बताएं कि क्या अल व नहारा के मफूल भी ही बन सकता है जी बन सकता है कि वो रात को तस्वीर करते हैं दिन और रात नहीं, तस्वी नहीं, तस्वी नहीं, तस्वी नहीं तस्वी मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन को गौर करें मैंने कहा कि वो किसकी तस्बी बयान करते हैं किसकी किस की तस्वीर बयान करते हैं तो रात और दिन की तस्वीर करते, करते हैं है। तस्वीर करने का मतलब होता है हम बयान करना जिक्र करना तो हम रात और दिन का जिक्र नहीं करते हम रात और दिन की तस्वीर नहीं करते हम तस्वीर करते हैं अल्लाह की नहीं। तो यानी कि इस वक्त ये जो अल व नहारा है ये डायरेक्ट मफूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मफूल भी नहीं बन सकता ठीक है क्योंकि तस्वीर करने का अमल डायरेक्ट यहाँ पर इस वक्त अल व नहारा पे नहीं हो रहा जिसकी तस्वीर बयान की जा रही है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है मतलब मफूल भी यहाँ पे मौजूद नहीं है इस वक्त क्योंकि हम तस्वीर किसकी करते हैं अल्लाह इज्जत की और अल्लाह रबुल यहाँ पे मेन्शन नहीं हुआ हुआ तो इसलिए अल्ला व नहारा यहाँ पे इस वक्त ये मफूल भी नहीं बनेगा तो अब क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन ये है कि किस वक्त तो वो फिर ये व नहारा उसका जवाब है कि ये मफूल फी ही बन के के दिन और रात के वक्त <laughs> तो यहाँ पे ये मेरी यहाँ पे ये दो आयात इकट्ठी एक, एक जैसी लाने का मकसद ये था कि ये देखें अल व नहारा यहाँ पे भी मुरकब अतफी है और मफूल बन रहा है यहाँ पे भी ये मुरकब अतफी बन के मफूल बन रहा है लेकिन दोनों मफूल डिफरेंट है दोनों मफूल <laughs> डिफरेंट है एक तरफ ये है कि ये मफूल भी ही बन रहा है पहला वाला कि उसने पैदा किया तो क्वेश्चन खड़ा होता है किसको पैदा किया जिसको पैदा किया जाएगा वो मफूल भी ही बनेगा यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो तस्बी करते हैं तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि वो तस्वीर दिन और रात की तस्वीर करते हैं नो 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 नाउ बिल्ला ये तो शिरक हो जाएगा क्योंकि तस्वीर तो सिर्फ अल्लाह की बयान की जाती है ना इवन रात दिन चुरेन पुरेन जो है ये भी अल्लाह ही की तस्वीर बयान करते हैं तो यहाँ पे ये तो नहीं बात हो रही कि ये व नहारा ये मफूल भी नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पे ये औकात बयान हो रहे हैं वक्त बयान हो रहा है जमाना बताया जा रहा है कि तस्वीर किस वक्त की जाए उन्होंने वो तस्वीर करते हैं तो किस वक्त करते हैं यहाँ पे वक्त हो रहा है तो यहाँ पे व नहार वक्त को जाहिर कर रहा है जबकि यहाँ पे व नहार जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है कि जिसको पैदा किया गया और पैदा करने वाला अल्लाह की जात है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि जरूरी नहीं है कि अल व नहार आपको ये इस तरह के लफ्ज मिले और आप उसको डायरेक्ट मुरक् वो तो, मफूल फी ही बना दें जरूरी नहीं है कि आ, ये ऐसे जो जर्फ हैं जो उनको आप डायरेक्ट मफूल फी ही बना दें हर जगह वो मफूल भी ही भी बन सकते हैं अगर उनके ऊपर डायरेक्ट काम हुआ है तो अच्छा नेक्स्ट कौन सी सिस्टम हमारे साथ आएंगी जी मैं सिस्टर आ जाए बिल्कुल आ जाए जा। मैं आ जाए फा हर्फ इसको रहने देते हैं साउफा को भी रहने देते हैं युहा सब फेल है इसके रूट लेटर्स बताए आप मुझे एक सेकंड एक सेकंड ये मेरा गायब हो गया जरा एक सेकंड क्या हो गया एक सेकंड तो मैं आ जाऊ जी आज बोल रहे हैं आप आगे कर लीजिएगा ठीक है ठीक है आप मुझे बताएहा सिर्फ रूट लेटर बता दे हासीन बा मैम हासीन बा मुझे ये बताये की ये जो हिसाबन ये सीर ये कौन सा मरकब बन रहा है मैम ये मरकबे तो सिर्फ बन रहा है

ताकीदी देखेंगी नोयत के हिसाब से या तदादात के हिसाब से तो क्या करेंगे किस हिसाब से तर्जमा करेंगे वेरी गुड नोयत के हिसाब से क्योंकि अब मुरकब के तौर पर आया है मफूल मुतलक तो आप तर्जमा नोयियत के हिसाब से करेंगी तू अनकरीब हिसाब लिया जाएगा अब कैसी नोत आप बयान करेंगी उस हिसाब की क्या हाँ उस हिसाब का नोयत है उसकी कंडीशन बयान हो रही है कि वो हिसाब होगा आसान हिसाब अच्छा अब यहाँ पर <coughs> मैं ये चाहूंगी कि आप सब मिलकर ही पार्टिसिपेट करें क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो आपके सामने ये आयत है आप मुझे बताएंगे सब मिलकर जिसका भी पहला आंसर करेक्ट होगा मैं वो रेस कर दूंगी कि ये कौन सा मफूल बनेगा जो हाईलाइट हुआ हुआ है ग्रे कलर में वेरी गुड यह हो गया मफुल मुतल और आप ये नोटिस करें कि जिध जितनी भी देखें अभी तक कोई भी आयत रिपीट नहीं हुई है ठीक है कोई भी आयत रिपीट नहीं हुई है मैं हर बार डिफरेंट आयत ला रही हूँ ताकि आपकी आप जब बैठ के बाद में दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और इन सारी आयत को एनालाइज कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए जब जब आपको टाइम मिले इन आयत को एनालाइज करें इन पे गौर व फिक्र करें ठीक है तो ये हम गायब करते हैं और अब नेक्स्ट आयत लाते हैं अब बताए यम्यामा कौन सा कौन सा मफूल बनेगा मफूल फी ही नेक्स्ट वल अवलीन <laughs> यम्मा फूले माहू वा व फूले अजलोहू अल अजलो, हू। अजलो हू। अच्छा मफूली अजली किसने कहा कैसे क्या क्या नजर आई उन्हें कि मफूली अजली का वाव की वजह से वो फिर वाव की वजह से मफूल माहू है ठीक है वो मफूल माहू है जिसमें वाव आता है ली अजली नहीं ली अजली में वजह होती है सॉरी वजह तो के दर में रखेंगे उसमें वजह में भी जीम आता है और अजली में भी जीम है यहां से निशानी रख लें तो ये है मफूल माहू देखिए क्योंकि कुम जमीन है उसके डायरेक्ट बात वाऊ आ गया अब ये जो आ, अल अवलिन है ये मफूल माहू बनेगा ये इसका मातूफ नहीं हम इसको मुराक्बतफी नहीं बना सकते ठीक है तो ये इसका मफूल माहू बनेगा कि हम इकट्ठा करेंगे हम जमा करेंगे तुम सबको पिछलों के क्योंकि मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है आगे आ जाए अल किताब ये कौन सा मफूल बनेगा मफूल माफूले बि वेरी गुड नफूर के उसने नाजिल किया तो क्या नाजिल किया अल किताब डायरेक्ट किताब पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये नेक्स्ट वन तो ये क्या बनेगा ने, इसका ने, मैं आपको थोड़ा सा इसल बताती हूँ कि यद ओ न वो पुकारते हैं किसको पुकारते हैं अपने रब ठीक है तो अब आपको क्या लगता है कि वो पुकारते हैं अपने रब को, अपने रब रब को, को अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दुआ मांग आप अपने रब को पुकारती हैं तो मैं आप अगला क्वेश्चन वक्त पुकारते हैं वक्त नहीं हो सकता है कि किस वक्त पुकारते हैं वतामा मफूल लहू है बिल्कुल अच्छा अब यहाँ पे इस भी कर सकती हैं देखें खौफन है देखें देखे, तो यहाँ पे खौफन से पहले कोई वाह नहीं है तो इट मीन कि ये मफूल माहू नहीं हो सकता ठीक है यहाँ पे खौफन जो है ये जर्फ नहीं है तो ये मफूुल फिही भी नहीं बन सकता खौफन जो है इसके रूट लेटर्स और यद ऊ ना फेल के रूट लेटर सेव नहीं है तो मफूल मुतल भी नहीं।, नहीं हो सकता मफूल बिही इसलिए नहीं हो सकता की मफूल बिही ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया कि वो किसको पुकारते हैं वो है रब अब बेचारा रह गया मफूल ली अजली क्योंकि इसमें रीजन बयान हो, तो हो रहा है कि वो अपने रब को क्यों पुकारते हैं तो ये उसकी वजह बयान हो रही है वो अपने रब को पुकारते हैं खौफ की वजह से और ख्वाहिश अपनी जो भी उनकी दुआएं होती है उसी वजह से अच्छा अब आपके सामने ये मैं सारी आयात अगटी ले आती हूँ आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकती हैं क्योंकि पिछली जो एक एक था उसमें आप बल्कि जो पहली स्क्रीन थी उसका भी आप रख रहे क्योंकि उसमें तमाम मफाइल की आगे डेफिनेशन थी और इसमें तमाम मफाइल की आगे एक एक एग्जांपल है कुरान पाक से तो ये दोनों आप, आप, आपको फायदा देंगे इनशाला और जो नेक्स्ट स्क्रीन है ये मैंने ब्लैंक इसलिए आपके लिए रखी है कि आप अपने तौर पे इनके प्रिंट आउट अगर निकालना चाहे निकाल के रख सकती हैं जब आपको कोई आयत मिले तो आप इसके अंदर लिख सकती हैं और वो आप अपनी एक प्रैक्टिस के लिए भी आप इसको यूज कर सकती हैं और यहाँ पे अब मैं आप सब अपने माइक म्यूट कर लें आपको याद होगा ये चार्ट हमने किया था यहाँ पे हमने काफी ये आठ मज़रूर जो होते हैं उसकी रीजन दो हैं दोनों ही हम कर चुके हैं मरफूआत आठ हैं जिसमें से हम सात कर चुके हैं सिर्फ एक रह गया है और अनकरीब वो भी हो जाएगा मनसूबात तेरा है जिसमें से चार हम कर हमने अभी तक किए हैं और पांच आज हमने और कर लिए हैं ये पांच आज हमने और मजीद किए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे काफी मफूल जो है मंसूबात जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं कितने रह गए हैं एक हमारा मरफू रह गया है कि कौन सा जो इसम है वो मरफू होता है तो उसकी क्या वजह होती है और उसके अलावा एक ये है और बाकी तीन और अभी आएंगे जिस तरह हम देखें इन मफाइल खमसा को बयान करने का वक्त अब था इसलिए मैंने अब बयान किया ये जो बाकी चीजें हैं इनका जब वक्त आएगा तब इनको बयान करूंगी और साथ में इनको फिलअप करेंगे लेकिन आपके लिए ये खुशी की खबर है कि हमने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया है सिर्फ थोड़ा सा रह गया है और अन्ब ये भी कंप्लीट हो जाएगा मैम चार्ट कंप्लीट होते ही हमारे ग्रामर का ये वाला खत्म हो जाएगा ये काफी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इनशाला कोर्स कम्पलीट मैम इसके बाद फिर हम क्या शुरू कर रहे हैं इनशाला

वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह जजाकल्लाहु खैरन तसीरा माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपके पास ना कोई अलादीन का चिराग है कि हमारे दिमाग की बत्तियां खुल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो है करेक्ट बिल्कुल सही मेहनत बहुत है ना उस्ताद की मतलब एक-एक आयत को ढूंढकर निकालकर उसको मैचिंग करकर

पता चले कि आपने कैसे फर्क करना है और कैसे इसकी पहचान करनी है और फिर तर्जमे का अंदाज मेन चीज है कि हम इसके लबो लहजे को समझ सकें कि हमने इस तर्जमे को कैसे चेंज करना है और इसका लबजा कैसे महसूस करना है कि कब क्या हो रहा है कहाँ पे तर्जमा उसका अंदाज क्या है बयान करने का उस लफ्ज का तो इनशाला तला हमारे सीखने सिखाने में बरकत ताला तो हम सब मिल के सीख रहे हैं इनशाला मैं ना ये कहना चाह रही रिकॉर्डिंग बंद कर ली आपने मैम जी नहीं मुझे अभी याद ही नहीं रहा बातों में लगी हूँ अच्छा चले मैं बंद करती हूँ फिर बात करते हैं